दोस्तों आपको बता दूं, ईरान के शेराज के इलाके में शीरीन में यानी एक रोजे के अंदर घुसकर आतंकवादी ने खुल्लम खुल्ला गोलीबारी की, जिसमें 7 से 8 लोग घायल हुए और 1 की मौत हो गई। उस वक्त पूरे ही उस रोजे में अफरा तफरी मच चुकी थी। तस्वीर मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता हूं, सीसीटीवी फुटेज है, व्यक्ति आपको गोलीबारी करता हुआ नजर आ रहा है। इस गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की संभावना है और जब तक मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तब तक 1 के मारे जाने की खबर है, अल्लाह ना करे, लेकिन इनपुट ऐसे हैं कि कई उनमें सीरियस भी हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। दोस्तों ईरान में इस तरह के हमले तेज़ हो गए हैं। ये दूसरा हमला है जो रोज़े के अंदर घुसकर ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर रहा है हमलावर। सीसीटीवी फुटेज पूरी आप देख चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बता दूं कि इस हमले के बाद उस हमलावर को, ये देखिए जिसमें हमने कुछ सेक्शन ब्लर कर रखे हैं, आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है और आईएसआईएस का ये हमला है, यानी दाइश आतंकी संगठन का हमला है ये। ईरान में आतंकी हमले बढ़ने की संभावना है और फिलहाल पहले से तो बढ़ ही गए हैं। हालात इस वक्त जो है ईरान में ऐसे ही चल रहे हैं, अंदर ही अंदर जो हैं आस्तीन के सांप पल रहे हैं और अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर बड़ा माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों आप बता दूं, उधर फिलिस्तीनियों को खौफ है, सऊदी अरब पर भरोसा नहीं है। जो फिलिस्तीनियों का डर है वो डर ये है कि सऊदी अरब ने जो जॉर्डन के जो एम्बेसडर हैं उन्हीं को फिलिस्तीन का भी एम्बेसडर बना दिया है। जॉर्डन के एम्बेसडर को फिलिस्तीन की भी जो है जिम्मेदारी दे दी है और वो जॉर्डन में ही रहकर फिलिस्तीन के लिए काम करेंगे, यानी फिलिस्तीन नहीं आएंगे। अब फिलिस्तीनियों का डर ये है कि ये अमेरिका और इसराइल की चाल है, ताकि ये भी हो जाए कि भाई फिलिस्तीन के जो हैं अम्बेसडर सऊदी अरब ने घोषित कर दिए हैं, इसराइल ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, लिहाजा इसराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन हो जाए। ये अंदर ही अंदर ये चाल है, ये कौन कह रहा है, ये फिलिस्तीनियों का डर है। दूसरी तरफ इसराइल ने बहुत ज़ोरदार तमाचा सऊदी अरब के मुंह पर जड़ा। उसने कहा कि हम फिलिस्तीन के लिए, जो इसने सऊदी अरब ने अम्बेसडर चुना है फिलिस्तीन के लिए, जो अम्बेसी है उसके लिए हम जेरूशलम में हम जगह सऊदी अरब को नहीं देंगे। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान यानी आले सऊद अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं और नॉर्मलाइजेशन इसराइल से कर लेते हैं तो इससे बड़ा बेगैरत कोई इंसान ना होगा। वहीं इसराइल ने यह भी बताया कि हमें मालूम था कि अपना अम्बेसडर नियुक्त करने जा रहे हैं जॉर्डन वाले अम्बेसडर को ही, लेकिन हमसे मोहम्मद बिन सलमान ने कोई बात नहीं करी। इसी बीच खबर आई कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो है लेबनान के बॉर्डर की तरफ से इसराइल के बॉर्डर के अंदर पेट्रोल बम फेंका गया, जिसके बाद इसराइल की मिलिट्री की तरफ से हिजबुल्लाह के बॉर्डर की तरफ यानी लेबनान के बॉर्डर की तरफ गोलीबारी की गई, लेकिन मरने की और घायल होने की कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है, बल्कि कर दी है, और ये स्ट्राइक काफी खतरनाक थी, कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया। गनीमत यह है कि मौत किसी की नहीं हुई। उधर दोस्तों आतंकी देश इसराइल के बारे में यूएन ने खुली रिपोर्ट पेश करी यूएन के अंदर, कहा कि सिर्फ इसी साल के अंदर 167 फिलिस्तीनियों को बेगुनाह इसराइल की आतंकवादी सरकार कत्ल कर चुकी है। फिलिस्तीन के मुसलमानों का दर्द भारत के मुसलमानों से कोई भी बेहतर नहीं समझ सकता। दोस्तों जैसा भारत के मुसलमान फील कर रहे हैं वही फीलिंग्स फिलिस्तीनियों के अंदर भी आप समझ सकते हैं। मेरे दोस्तों एक यहूदी ने फिलिस्तीनी व्यक्ति का कत्ल किया था जिसको सजा हो गई थी, लेकिन जेल में रखने के बाद कुछ समय बाद उसको निकाल कर घर के अंदर कैद कर दिया गया, जिसे हाउस अरेस्ट कहते हैं। अब उस उग्रवादी आतंकवादी यहूदी के समर्थन में
यहूदी लोग उसके घर के बाहर आकर, जहां उसे कैद किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, आकर उसको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। जैसे यहां भारत में बलात्कारियों के समर्थन में खास पार्टी और खास समाज के लोग आ जाते हैं कातिलों के समर्थन में, ऐसे ही ठीक वहां की तस्वीरें हैं। इन तमाम चीजों के बाद मस्जिद अल अक्सा में रोज घुसपैठ हो रही है। ये तस्वीर देखिए, मस्जिद अल अक्सा में घुसकर यहूदियों ने फिर से अपने जो है शैतान की पूजा की है। उधर ईरान से जुड़ी एक और खबर, अचानक से कल रेतीले तूफान की वजह से ईरान में 700 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उनको अस्पताल जाना पड़ा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और ईरान की सरकार के बीच टकराव की स्थिति हेलमंद नदी को लेकर थी, लेकिन अब पहली बार इतिहास में यह हो रहा है कि ईरान की एक स्पेशल टीम हेलमंद नदी पर पहुंचने वाली है जांच पड़ताल के लिए। उधर ईरान के पौश इलाके मशहद में आप ये देखिए, सऊदी अरब ने अपनी अम्बेसी खोल ली है, जिस अम्बेसी के ऊपर आप देख सकते हैं सऊदी अरब का झंडा लहरा रहा है। ईरान ने एक महिला लड़की जिसका नाम सोनिया शरीफी है, जो प्रदर्शन में हिजाब उतार उतार कर प्रदर्शन कर रही थी और प्रदर्शन जो है माशा अमीनी के नाम पर चल रहा था, बेहयाई को सपोर्ट करते हुए हिजाब उतार कर ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस महिला को, सोनिया शरीफी को, दूसरी बार गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया है। वेस्ट का आरोप है कि ईरान इसी तरह से महिलाओं को टॉर्चर कर रहा है। इसके अलावा माशा अमीनी जो मारी गई महिला थी, जिसके नाम पर पूरे ईरान में प्रदर्शन हुआ, उनके वालिद का जिस रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया था, महिला रिपोर्टर ने, उसको गिरफ्तार कर लिया था ईरान ने, लेकिन अब खबर आ रही है कि आज जाकर उस महिला रिपोर्टर को रिलीज कर दिया है ईरान ने। ईरान और यूएई के बीच इकोनॉमिक टाइज एग्रीमेंट को लेकर, यानी बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर बातचीत चल रही है। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोनों के बीच एक बड़ा एग्रीमेंट सुनने और देखने को मिलेगा। समुद्र में ईरान का भौकाल और डर जारी है। अमेरिका के बाद यूरोप के सभी देशों ने अपने अपने पानी के जहाज़ों से, चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, तमाम लोगों से कह दिया है कि ईरान के समुद्र के इलाके में मत जाना, वरना वो तुम्हें किडनैप कर लेगा, आपके जहाज़ों को जब्त कर लेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।